हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारे टॉपिक विविध सामान्य ज्ञान है फंडामेंटल जनरल अवेयरनेस में। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण नारे हैं, ठीक, सम स्पीचेस इंपॉर्टेंट्स फ्रेंड्स, जो कि महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ या व्यक्तियों के द्वारा, महान व्यक्तियों के द्वारा दी गई हैं, जिनसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। आज हम इसमें सारा का सारा मैटर कवर करेंगे, जिन जिन महान हस्तियों ने, महान महान पर्सनालिटीज़ ने जो जो कथन या नारे दिए हैं, जो पृथ्वी परीक्षा पूछे जाते हैं, आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ओनली 10 मिनट की वीडियो में आपको ये सारा का सारा मैटर मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चाहे वो देश के हों, चाहे विदेश के महान व्यक्ति हों, सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले गांधी जी से। गांधी जी के जो इनॉल स्पीचेस और इनॉल जो भी वाक्य हैं, इनॉल नारे हैं, सारे के सारे, वो सब इस वीडियो में इसमें हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। ये किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। अगला आता है, ठीक है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, किसका हो गया? गांधी जी का। अगला आता है, करो या मरो, कौन सा? करो या मरो, गांधी जी ने कहा है। हे राम, कौन सा? हे राम अक्सर पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसने दिया है? गांधी जी ने। सत्य सर्वोपरि नीति है, कौन सी? सत्य सर्वोपरि नीति है, महात्मा गांधी ने कहा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है, सत्य सर्वोपरि नीति है, ठीक है। ये सारे ही सारे किसके हो गए? गांधी जी से संबंधित हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने महत्वपूर्ण तीन स्पीचेस दी थी जो हमने इसमें सम्मिलित की हैं। अब्राहम लिंकन शिशु भय व्यक्ति है जो उसी को आगे बढ़ाएगा जिसे आपने शुरुआत किया है। मनुष्यता का भाग्य उसी के हाथ में है, कौन सा? मनुष्यता का भाग उसी के हाथ में, जो किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है। नेक्स्ट है, जैसे मैं दास नहीं बनना चाहूँगा, ठीक उसी तरह मैं मालिक नहीं बनना चाहूँगा, यह भी किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का है। जनता ही सरकार है, जनता द्वारा और जनता के लिए, किसका है? अब्राहम लिंकन का है। जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए, अब्राहम लिंकन का है। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण वाक्य, महत्वपूर्ण नारे किसके द्वारा दिए गए थे? अब्राहम लिंकन के द्वारा दिए गए थे, याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं दास नहीं बनना चाहूँगा, ठीक उसी तरह मैं मालिक भी नहीं बनना चाहूँगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं देखने को मिलता है। और जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जो तो अक्सर देखने को ही मिलता है, जो कि अब्राहम लिंकन का महत्वपूर्ण वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगले आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के जो वाक्य हैं अक्सर देखने को हमको मिलते हैं, पहले नंबर पर आता है, हम भौतिक शास्त्रियों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य में अंतर सिर्फ एक भ्रम है, कौन सा? हम भौतिक शास्त्रियों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य में अंतर सिर्फ एक भ्रम है। नेक्स्ट आता है, महान आत्माओं ने सदैव साधारण योग्य दिमाग वालों के उग्र विरोध का सामना किया है, कौन सा? महान आत्माओं ने सदैव साधारण योग्य दिमाग वालों के उग्र विरोध का सामना किया है, किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। नेक्स्ट आता है, सिर्फ दृढ़ चरित्र वाले ही ऊपरी विश्लेषण के लालच का प्रतिरोध कर सकते हैं, कौन से? दृढ़ चरित्र वाले ही ऊपरी विश्लेषण के लालच का प्रतिरोध कर सकते हैं, ये किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले विचार आते हैं अरस्तु के। किसके अगले विचार हैं? अरस्तु के। पहले नंबर पे आता है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है। नेक्स्ट आता है, युद्ध का ध्येय है शांति, व्यवसाय का आराम, युद्ध का ध्येय है शांति और व्यवसाय का आराम, जी किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट आता है, शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल मीठे होते हैं, शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल मीठे होते हैं, किसने? अरस्तु ने कहा है। एंड नेक्स्ट है इनका, गरीबी के कारण ही क्रांति और अपराध का जन्म होता है, किसका? गरीबी के कारण ही क्रांति और अपराध का जन्म होता है, जो किसने कहे हैं? अरस्तु के वाक्य सारे की सारे। चलिए वन लाइन में और सारे की सारे देखते हैं हम, जैसे आता है पहले नंबर पर हॉब्स का विचार, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है, हॉब्स ने कहा है। नारी केवल तुम श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक और आता है, थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा सोचना, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। ये वाक्य किसका है? थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा सोचना, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। नेक्स्ट है जय हिंद दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस के दो नारे हैं, जय हिंद और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के हैं। अगला है बाल गंगाधर तिलक का, स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है और हमें इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी ने संज्ञा दी है। वेदों की ओर लौटो किसने? दयानंद सरस्वती ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने। विजय बिस तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने कहा है। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने विजय बिस तिरंगा प्यारा। ठीक है, नेक्स्ट है जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और साथ में इसमें जय विज्ञान जो जोड़ा था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था। किसने? जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो सम्मिलित है वो जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का है नारा। किसका? सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला आता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। पूर्व स्वराज नेहरू के जरिए दिया गया था। पूर्व स्वराज किसके जरिए? नेहरू के जरिए दिया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया नारा था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के जरिए, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के जरिए दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, रामप्रसाद बिस्मिल का नारा है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, रामप्रसाद बिस्मिल का है। मारो फरंगियों को मंगल पांडे का है। मारो फरंगियों को मंगल पांडे का है। ठीक है, याद रखना कौन सा? मारो फरंगियों को मंगल पांडे का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ये थे सारे के सारे महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण वाक्य, सब इम्पोर्टेंट स्लोगन्स जो कि महान व्यक्तियों के द्वारा दिए गए थे। फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, सारी सारी वीडियो को देख लीजिए, फंडामेंटल जनरल अवेयरनेस के विविध आयाम की हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, या फिर आप समीक्षा इंस्टीट्यूट के प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि समीक्षा इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, जिस पर आपको मिलेंगी एवरी सब्जेक्ट्स की अच्छी से अच्छी वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और समीक्षा इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले टॉपिक में, जब तक के लिए बाय।